खबरों का सबसे बड़ी सबसे अहम खबर हम आपको बता दें, वशमय हिंदुस्तान ने फिर इतिहास रच दिया है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की। 140 करोड़ लोगों की धड़कनें लगी हुई थी और दुआएं भी हो रही थी किस प्रकार हो ये सफल मिशन चंद्रयान 3। और आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अति उत्साहित थे, यद्यपि वो आज दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में थे, लेकिन वो सीधा वहाँ से जुड़े इस लैंडिंग के मौके पर। और जिस वक्त आज लैंडिंग हुई है चंद्रयान की, पूरा देश हर्ष से खुशी से झूम उठा तथा अपने आन बान शान तिरंगा हाथ में लेकर अपने इस वैज्ञानिकों का सम्मान किया और उन्होंने बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है देश के वैज्ञानिकों को, देश के 140 करोड़ लोगों को, और उन्होंने कहा कि वे उनके साथ है। इस क्षण के लिए उन्होंने साझा किया है अपने विचार। उन्होंने कहा है कि आज 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का ये क्षण है, भारत के विश्वास का, भारत की प्रगति का, नए विश्वास, नई सोच, नई चेतना और नए उत्साह का आज दिवस है। पूरी दुनिया के अंदर आज दक्षिणी ध्रुव पर चांद पर जाकर इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को कामयाब कर दिखा दिया है कि भारत किसी से पीछे नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका, रूस और चीन ही पहले ऐसे देश थे जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब हिंदुस्तान भी उसमें शामिल हो गया है। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है आज। हालांकि आज हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों के अंदर तथा विभिन्न संगठनों तथा विभिन्न स्थानों पर इसकी लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाया गया, स्कूली बच्चों को भी इसका प्रसारण दिखाया गया और सब में उत्साह था। सभी आँख लगाए बैठे हुए थे कि कब हो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, और देखते ही देखते इस चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, क्योंकि अंतिम क्षण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और आखिर में किस तरह धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हुई और सॉफ्ट लैंडिंग हुई है 2023 के अंदर। आज 23 अगस्त, जो 2023 की 23 अगस्त है, इसने इतिहास रच दिया है। भारत का तिरंगा दक्षिणी ध्रुव पर चांद पर लहरा गया है, वहां पर चंद्रयान की लैंडिंग हो गई है। देश के प्रधानमंत्री सहित पूरा देश आज अति उत्साहित है। और उधर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, सफल जो लैंडिंग हुई है उसके बाद आतिशबाजी का जोर चल रहा है, जगह जगह आतिशबाजी हो रही है। लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के सभासद, वार्ड 14 के सभासद गौरव भटनागर के आवास पर जमकर आतिशबाजी हो रही है और खुशी का माहौल मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और देश के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी जा रही है और लगातार आप देख सकते हैं वो सिलसिला कि जैसे ही आज का कार्यक्रम तय हुआ था, वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी जा रही थी, सभी लोग इस जानकारी को साझा कर रहे थे, देख रहे थे। और आज अब भी फिलहाल आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी का जोर चल रहा है और सभी मिलजुल कर खुशियां मना रहे हैं, वैज्ञानिकों को जमकर बधाइयां दे रहे हैं। और वो दिन फिर दूर नहीं होगा कि चंदा मामा दूर नहीं बल्कि एक टूर के पास होंगे और नज़दीक होंगे। सभी जानकारी हमको मिलती रहेंगी और हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों का अथक प्रयास रहा है, उनकी मेहनत रही है। उनकी सफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। पूरे देश आज उन पर गर्व कर रहा है जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई है। बने रहिएगा और बड़ी दूसरी खबरों के लिए मेरे साथ। आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।